तो गाइस आज मैं अंडा और पुई साग का भुजिया बनाने वाली हूँ। इसके लिए मैंने ये पुई साग को लिया है और इसे मैंने साफ पानी से धो कर के इसे मैं बारीक काट लूँगी। मैंने पुई साग को इस तरह से बारीक काट लिया है। गैस में मैं कढ़ाई को चढ़ा ली हूँ और इसमें मैं सरसों तेल को डाल करके तेल को गर्म होने देती हूँ। तेल गर्म हो चुका है तो मैं इसमें दो मिर्च डाल लूँगी और साथ में एक बड़ा प्याज, इसे पहले बारीक काट लिया है। इसमें हल्का गोल्डन ब्राउन होने देती हूँ। ये हल्का गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब मैं इसमें ये कटा वाला पुई साग को मैं डाल लेती हूँ और इसे मैं अच्छी तरह से पका लूँगी। मैं इसमें एक स्पून हल्दी पाउडर डालूँगी, ये पुई साग अच्छी तरह से गल चुका है तो मैं इसमें स्वाद के अनुसार मैं नमक डाल लूंगी। अब फिर मैं मिक्स कर लूंगी जिससे ये और भी अच्छी तरह से गल जाएगा और खाने में भी स्वादिष्ट होगा। ये बहुत ही फायदेमंद साग में भरपूर मात्रा में खून बनता है, इसे इसके लिए इसे हमें खाना चाहिए। ये अच्छी तरह से गल चुका है तो मैं दो अंडे को डाल करके इसे मैं पका लूंगी। बच्चे भी इसे अच्छी तरह से ये साग को खा लेंगे। ये हमारा पुई साग बन करके रेडी हो चुका है। इसे मैं गैस को ऑफ कर देती हूँ। ये हमारा अंडा और पुई साग का भुजिया की रेसिपी बन करके रेडी हो चुका है। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है और लाजवाब भी है। हमारा ये अंडा और पुई साग की भुजिया की रेसिपी आप लोगों को अच्छा लगा तो आप लोग भी जरूर एक बार घर में ट्राई कीजिए और अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए। हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।